हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस नीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन उनका भेज रहे हैं, तो मैं सीनियर बोटनी फैकल्टी सर्वेश यादव आपके सामने अभी बोटनी के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है नीट के, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी। तो बेटा देखो, सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अभी लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार हम उनको सबको डिस्कस करेंगे। तो अपना जो मेन टारगेट है क्वेश्चन डिस्कस करने का, वो ये है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो नीट है वो कौन कौन से टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और आप सब जानते हो अपना जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें लिमिटेड सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिटेड हैं, एक डिफाइंड सिलेबस है, तो आपको उसी टॉपिक पे अप्रोच करना है जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इतना वाइड भी नहीं स्टडी करना, लिमिटेड स्टडी करनी है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बोटनी के क्वेश्चंस फ्रॉम सेल बायोलॉजी। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल इन, गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो अपन सीधे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी जो सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना। तो जो गोल्जी बॉडी है उसके अगर फंक्शन की बात करें तो उसका जो मेन फंक्शन है वो आप जानते हो, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन। तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग किन मटेरियल्स की करती है? जैसे आप सब जानते हो गोल्जी बॉडी जो ईआर है उससे मैक्रोबायो मॉलिक्यूल को रिसीव करेगी, जैसे आरईआर है, आरईआर से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा एंड देन प्रोटीन ट्रांसफर इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड फ्रॉम एसईआर लिपिड सिंथेसाइज्ड एंड लिपिड ट्रांसपोर्टेड इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ दीज मैक्रोबायो मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो सीक्रेट देम टू ट्रांसफर देम एट द फाइनल डेस्टिनेशन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ वापस। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे अपन बात करें ईआर के, अभी मैंने आपको बताया ईआर के अंदर मैक्रोबायो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ईआर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर प्रोड्यूस सिंथेसाइज प्रोटीन एंड एसईआर मेनली लिपिड। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एंड इंपॉर्टेंट रोल और मेजर रोल इन एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल, नहीं होगा, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। आंसर विल बी सेकंड। देखो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अभी मैंने बताया आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा आरईआर में, आरईआर से प्रोटीन गोल्जी बॉडी में आएगी, एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन एसईआर और एसईआर से लिपिड आएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर नीट के एग्जाम में इस आरईआर से और गोल्जी बॉडी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आंसर अपना हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन इज, यहां बात कर रहा है देखो इंट्रासेलुलर एंड कैटाइन। अपन जैसे सेल की बात करें तो सेल का ये है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट एंड दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। आपको पता है सेल के अंदर जो कैटाइन्स हैं, एनाइन्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, दोज हेल्प इन द इम्पोर्टेंट रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो सेल में अंदर और बाहर दोनों में जो आपके एनाइन और कैटाइन है वो डिफरेंशियल है, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, और सेल को जिसकी डिमांड है वो अंदर, डिमांड नहीं है तो उनको बाहर सीक्रेट आउट कर देती है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलें तो सेल के अंदर जैसे पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन अंदर हाई और बाहर उसकी कंसंट्रेशन होती है लो, सोडियम अंदर कंसंट्रेशन उसकी होगी लो और बाहर कंसंट्रेशन होती है उसकी हाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट कैटाइन इज पोटेशियम, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन फिगर करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, डायग्राम भी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये पहले आप, सबसे पहले आपको इस फिगर को आइडेंटिफाई करना है, और आप जानते हो ये फिगर है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज आरईआर, बिल्कुल क्लियरली है आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस पर देखो जो यूनिट्स दिखाई दे रही है ये है राइबोसोम्स, दैट इज आरईआर, और आरईआर का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फंक्शन बताया था, आरईआर का जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आंसर इज सेकंड। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन गोल्जी एपरेटस, तो ये गोल्जी एपरेटस है ही नहीं, तो अपना आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, सेम वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है, ईआर और गोल्जी बॉडी कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो लिपिड का जो मेन सिंथेसिस साइट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी कौन सी होगी, एसईआर, तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी आपके सामने, आपने तीन चार क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मैंने आपको बताया कि अपना टारगेट है कि क्वेश्चन की अप्रोच कहाँ से आती है, और इतना आप जानते हो कि जो नीट का पैटर्न है वेरी सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना और करेक्ट आंसर पे जाना, और वो भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बेटा, उन पर ध्यान रखना चाहिए, एक तो आपकी स्पीड कितनी है और आपकी एक्यूरेसी, और स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट है तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छी रैंक गेन कर सकते हो। और आप जानते हो स्पीड को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी स्पीड फास्ट होगी और आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। इसलिए हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना होगा, और सारे क्वेश्चन वेरी सिंपल होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मियोसिस टेक प्लेस इन, अपन जानते हैं मियोसिस, जो मियोसिस है वो है सेल डिवीजन का टाइप है, और मियोसिस बेटा रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मियोसिस का जो मेन जो फंक्शन है वो अपने को पता है, मियोसिस के थ्रू जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द मियोसिस द डिप्लोइड सेल्स प्रोड्यूस हैप्लोइड सेल एन, और ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ये प्रोसेस बड़ा जरूरी है। तो आप देखो क्वेश्चन, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, तो मियोसिस जो है जेम्यूल, जेम्यूल में मियोसिस नहीं होगा, ये डोरमेंट एम्ब्रियोनल सेल होती हैं जिनमें मियोसिस का कोई रोल नहीं है, मेगास्पोर ऑलरेडी हैप्लोइड है ये भी नहीं होगा, मियोसाइट्स, मियोसाइट्स आर द सेल इन विच मियोसिस अंडरगो, तो अपना जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, कोनिडिया, कोनिडिया क्या होते हैं आप कुछ जानते हो, ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तो इनमें भी मियोसिस नहीं होगा, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई ए पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम इज कोल्ड, ये क्वेश्चन आपका सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम, तो आप पहले ये समझें कि जो सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर है वो होता क्या है। देखो ये अपना क्रोमोजोम है, सिंगल क्रोमोजोम, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं। ये मैंने जो क्रोमोजोम आपको बताया है ये दैट इज सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोजोम है ये है मोनाड, ये कंडीशन है डायाड, अब दोनों में देखो डिफरेंस देखो, ये भी मोनोवेलेंट है और ये भी मोनोवेलेंट है, यहां मोनोवेलेंट का जो मतलब है वो है सिंगल क्रोमोजोम, मोनाड जैसे मोनोवेलेंट क्रोमोजोम इसमें केवल एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, और जो डायाड है वो भी सिंगल क्रोमोजोम है, यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं दो, और आप जानते हो इन दोनों को अपन क्या कहते हैं क्रोमेटिड्स, मोनाड मोनोवेलेंट, डायाड मोनोवेलेंट, बट अगर दो क्रोमोजोम आपस में पेयर में आ जाएं तो ये जो कंडीशन है उसको अपन बोलेंगे टेट्राड। देखो टेट्राड क्यों कहा आपने, क्योंकि टेट्राड के अंदर चार क्रोमेटिड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और इसी को अपन बोलते हैं बाई वेलेंट कंडीशन। अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ आप, बाई वेलेंट जो कंडीशन है उसका फॉर्मेशन कब होता है, वो होगा ड्यूरिंग मियोसिस, क्योंकि इसके लिए जरूरी है बाई वेलेंट कंडीशन में आना, क्रॉसिंग ओवर तभी होगा, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोजोम, दीज आर द नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम, तो दैट इज द पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। अब इस कंडीशन का फॉर्मेशन या पेयरिंग कब होती है, कौन सी स्टेज में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अपन चलते हैं सेल डिवीजन में, जो आपका मियोसिस है उसमें कुछ स्टेजेज हैं,
इन प्रोफेज फर्स्ट। जैसे आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, देयर आर फाइव सब स्टेजेज इन प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ जो ये सब स्टेजेस जो मैंने आपको बताई हैं, इस पे ध्यान दो। लेप्टोटीन के बाद आएगी जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद आएगी पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद आएगी कौन सी, डिप्लोटीन, एंड देन डाइकाइनेसिस। ये फाइव सब स्टेजेस होगी। आपको पता है जो जाइगोटीन स्टेज है, इस जाइगोटीन स्टेज में अपना सिनेप्सिस होता है और ये कॉमन पैटेंट क्वेश्चन है। और सिनेप्सिस में ही आपका क्या होगा, बाइवेलेंट क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट पे वापस चलो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड। तो सिंपल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अपन क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेज इन सेल इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आपको एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ये बताना है कि डायग्राम में जो फिगर दी है वो किससे कोरिलेट कर रही है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आप सीधा डायग्राम पे अटैक करो। ये डायग्राम से सिंपली आपको पता लग रहा है कि ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन का डायग्राम है, जब सेल डिवीजन में चली गई है। और ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टीलोफेज को। किसको, टीलोफेज को। देखो इसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ टीलोफेज में देखो एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया इन दिस सेल। तो यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई कितनी है, टू। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीलोफेज को। सिंपल, अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ये टीलोफेज सही है। टीलोफेज आगे क्या लिखा है देखते हैं। टीलोफेज एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट फॉर्म्ड यट। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि टीलोफेज में जैसे ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो तभी आपका जो ER है और न्यूक्लियस उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। टीलोफेज न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म। तो अपना आंसर होगा थर्ड। सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। अच्छा कौन सा बेटा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप केवल अभी अप्रोच पे जाओ कि वो क्वेश्चन कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार इन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा अटैक करता है। अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में, तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बैक्टीरिया है उसमें भी रेस्पिरेशन होगा। और आप जानते हो बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम, बट रेस्पिरेशन की जरूरत तो सभी को होती है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन इज नेसेसरी। चलो इस पे आगे चलते हैं। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन कौन करता है, जो उसमें रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बैक्टीरिया है उसमें अपन चलते हैं, देखो न्यूक्लियोइड ये नहीं होगा, सेल वॉल का फंक्शन आप जानते नहीं होगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस ये भी नहीं होगा, मीजोसोम। तो इन बैक्टीरिया मीजोसोम जस्ट एक्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं एक बार रफली बता देता हूँ, जो अपना साइटोस्केलेटन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब देखो यहां पर ये डिटेल अप्रोच है, लेकिन अभी आपको केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो ये जो तीनों है ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, नेटलाइक स्ट्रक्चर है। जो माइक्रोट्यूबुल है उसका डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर है वो होता है 6 to 8 नैनोमीटर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनका एवरेज जो डायमीटर है वो है 10 नैनोमीटर। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा है कि जिसका व्यास
6 नैनोमीटर है वो कौन है, तो सिंपल है, 6 नैनोमीटर किसका होगा यहाँ पर, माइक्रो फिलामेंट का, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाओ, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन, इन दोनों टर्म को पहले अपन समझते हैं। ऑस्मोटिक, यहाँ ऑस्मोटिक टर्म लिया गया है ऑस्मोसिस से। जैसे मैं एक सेल की बात करूं तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, आपने पढ़ा है ये ऑस्मोसिस, तो दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वॉटर और सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। और जैसे वाटर की एंट्री सेल में होगी तो सेल क्या होगी, उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या चौड़ी हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी, उसकी साइज इंक्रीज होगी। तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन ए वॉटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई, तो यहाँ सिंपल है, इसमें जो मेन रोल जो है वो होता है बेटा वैक्यूल का, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो बेटा यहाँ नीट में आपने देखा होगा अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फंक्शन से मैच करवा रहा है, यहाँ मैचिंग वाले कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये कॉलम वाले क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक साथ कई टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो लेवल के क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो इसमें चलते हैं अपन, एक कॉलम ये दिया है और एक कॉलम ये दिया है, और आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। यहाँ देखो सेंट्रियोल, तारक केंद्र, सेंट्रियोल आप सब जानते हो सेल ऑर्गेनल है, तो जो तारक केंद्र है वो किससे मैच होगा, आप डायरेक्ट मैच करो ताकि इसमें आपकी गलती ना हो, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, अब ये टॉपिक है जो अपन कभी कवर करेंगे, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लेजिला मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, दैट इज करेक्ट मैचिंग। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आप जानते हो, क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट दैट ट्रैप द लाइट एंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ क्लोरोफिल जो है वो किससे रिलेट होगा, देखो तो क्लोरोफिल है वो कोरिलेट होगा बेटा थाइलेकोइड्स से, जो थाइलेकोइड्स हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इसको अपन बोलते हैं थाइलेकोइड एंड दैट इज ग्रेनम, तो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, तो ये मैचिंग हो जाएगी। क्रिस्टी, इंपॉर्टेंट बात है क्रिस्टी, यहाँ देखो क्रिस्टी में माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो इनफोल्डिंग है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी, तो देखो इससे कोरिलेट कहाँ होगा, क्रिस्टी इनर इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज द करेक्ट मैचिंग। राइबोजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें एक क्वेश्चन में उसने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन भी आते रहते हैं, आप देखोगे आगे काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या होता है, राइबोजाइम बोले तो आरएनए एक्ट एज एंजाइम, तो उसको अपन टर्म दे देते हैं राइबोजाइम, तो यहाँ देखो कहाँ से ये मैच होगा, तो आरएनए मैंने बोला आरएनए एक्ट एज एंजाइम, तो आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, तो दैट इज करेक्ट मैचिंग। तो आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको आंसर सेट करना है, देखो यहाँ पर ए, तो ए किससे कोरिलेट हो रहा है, फोर्थ, यहाँ हो जाएगा ये दो फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद जो बी है क्लोरोफिल वो हो जाएगा सेकंड से, एंड जो सी क्रिस्टी फर्स्ट, एंड डी राइबोजाइम किससे कोरिलेट हो रहा है, थर्ड, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, फिर क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से आपका, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, अपन एक बैक्टीरिया की बात करें, देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है मोटाइल बैक्टीरिया, बोले तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, तो एबल टू मूव बाई, तो कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो मूव करने में कैपेबल है, तो अपन एक बैक्टीरिया का सिंपल डायग्राम लें, रफ डायग्राम, तो उसमें कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं लाइक फ्लैजिला, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं पीली, और दीज आर बिसेल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर फिम्ब्री, तो इन बैक्टीरिया फ्लेजिला हेल्प इन लोकोमोशन, पीली हेल्प इन कॉन्जुगेशन,
एंड फिम्ब्री हेल्प इन अटैचमेंट। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी वो फ्लेजिला की बात करता है, कभी पीली की, कभी फिम्ब्री की। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, मोटाइल बैक्टीरिया मूव बाई, तो डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लेजिला, आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट डिफर फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल इन हैविंग। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसने पूछा क्या है, तो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल से कैसे डिफरेंट है, और सेकेंडरी सेल वॉल में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रेजेंट है और वो प्राइमरी सेल वॉल में अब्सेंट है। तो यहाँ चलो देखो, सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज दोनों में है, हेमिसेलुलोज कॉमन हो गया, लिग्निन की बात करें तो लिग्निन जो है बेटा आप जानते हो लिग्निन ओनली फाउंड इन सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन फंगल सेल। फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसने पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो फंगल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। अपन बात करें पहले तो फंगल सेल की, फंगस की, तो आप सब जानते हो जो फंगल सेल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहले जानना, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। और जो फंगस होता है वो हेटरोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक मीन्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, अगर फूड नहीं बना रहा इसका मतलब उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है वो एब्सेंट होता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ चलते हैं अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिकॉज फंगल सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट है, थाइलेकोइड अब्सेंट। अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थाइलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां से पैटेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता रहता है। तो जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की बात करें तो इसको ध्यान से सुनो, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त शासी। तो इसको डिफाइन अपन कैसे करेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल हो गया और ये जो है पार्शियली जो है डिपेंड होते हैं न्यूक्लियस पे, बोले तो फुली ऑटोनोमस नहीं होते। तो मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल की तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में अपन रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, और आप बेटा सभी जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और प्लास्टिड्स में भी क्या होता है, डीएनए। तो दोनों को मैं कॉमनली डिफाइन कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन सिंथेसाइज देयर सम ऑन प्रोटीन्स बट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस फॉर अदर्स बिकॉज दे कंसिस्ट डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, बोले तो प्रोटीन मशीनरी। तो ये अपनी खुद की प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होते हैं, बट नॉट ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। तो इनको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, देखो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। अभी अपन ने बात की थी ER गोल्जी बॉडी का, मैंने आपको कॉमनली एक बार कॉन्सेप्ट बताया था, जो SER है वो किसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो किसका मुख्य स्थल है। तो अपन डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, अभी बोला था मैंने लिपिड फॉर्मेशन, तो लिपिड फॉर्मेशन का जो मेजर साइट है वो कौन होती है, SER। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गोल्जी बॉडी इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो वापस से गोल्जी बॉडी पे क्वेश्चन आ गया, तो गोल्जी बॉडी का जो इंपॉर्टेंट रोल है, अब बेटा आप अपना दिमाग लगाओ आंसर क्या होगा, अपने दिमाग में सोचो, मन में सोचो, स्टार्च एंड क्लोरोफिल नहीं होगा, आरएनए एंड टीआरएनए फॉर्मेशन नहीं होगा, राइबोसोम फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अभी बताया था मैंने ये जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोसाइडेशन, और ग्लाइकोसाइडेशन में क्या होगा एक बार वापस समझो, यहाँ ER है, ER के दो टाइप हैं, SER एंड RER, SER लिपिड फॉर्मेशन, RER प्रोटीन फॉर्मेशन। अभी दोनों के दोनों जो मैक्रोबायो मॉलिक्यूल हैं वो किस में जाएंगे, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग ग्लाइकोसाइडेशन
द कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड विद लिपिड एंड प्रोटीन. तो लिपिड कन्वर्ट इनटू ग्लाइको लिपिड एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू ग्लाइको प्रोटीन. अब ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया बेटा, इसको ध्यान से समझो, दिमाग में भी सेट कर लो. देर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, एसईआर एंड आरईआर. एसईआर इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड आरईआर फॉर प्रोटीन. लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में. गोल्जी बॉडी हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सीक्रेशन. और आपके सामने है गोल्जी बॉडी क्या करेगी, लिपिड में मॉडिफिकेशन करेगी, ग्लाइकोलिपिड बना देगी, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच करेगी, ग्लाइको प्रोटीन. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, इससे काफी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन एट 4C लेवल इन द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेल डिविजन से लिया है तो इसका भी अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद सीधा अटैक करेंगे अपन आंसर पे. जैसे इनिशियली मैं सेल की बात कर रहा हूं जिसमें अभी माइटोसिस होने वाला है, सेल डिवीजन होने वाला है. तो इस सेल के अंदर 2N कंडीशन है और 2C. यहां जो C है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अमाउंट ऑफ डीएनए. जो डीएनए का अमाउंट उसको किससे डिनोट किया है आपने, सी से. तो यहां पर अमाउंट कितना बताया इसने, देखो इनिशियली 2C. तो जैसे ये सेल G1 में जाएगी, उसके बाद जाएगी S में एंड देन G2. G1 में डीएनए का अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि G1 में रेप्लिकेशन नहीं होता. डीएनए का अमाउंट डबल कब होगा, जब डीएनए डुप्लीकेट होगा. तो यहां पर भी कंडीशन क्या होगी, 2N 2C. बट इन S फेज 2N रिमेन 2N बट 2C बिकम 4C ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. आगे चलते हैं, G2 में भी वही कंडीशन 2N 4C. ये तो बात होगी बेटा इंटरफेज की. ओके, अब G2 के बाद सेल किस में एंटर होगी, M फेज में. और आपको पता है M फेज में जाने के बाद भी कंडीशन वही रहेगी, अमाउंट जो है 2C से 4C रहेगा M फेज में. जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है. तो यहाँ पर भी अमाउंट कितना है, 4C है. बट फाइनली जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जब दो डॉटर सेल बनेंगी, तो वहाँ अमाउंट कितना होगा, ये 2N, ये 2N और 2C एंड 2C. तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस द अमाउंट विल बी 2C. तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन 4C लेवल. तो देखो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, G0 G1 नहीं होगा, G1 S ये भी नहीं होगा, ओनली G2 यहाँ ओनली लगा दिया, और यहाँ है G2 एंड M. देखो यहाँ G2 में भी क्या है, 4C, और M फेज में भी क्या होगा, 4C. देन आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन S फेज ऑफ सेल साइकिल, देखो वापस से वही S फेज पे आ गया हो. अच्छा इंपॉर्टेंट ये जो फेज है, जैसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल. अभी मैंने डिस्कस किया था, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया. तो S फेज में क्या होता है, S फेज इज सिंथेटिक फेज. और S फेज में जो इसके जो करेक्टर हैं वो भी सुन लो. S फेज में एक तो हो गया आपका रेप्लिकेशन, इसके अलावा S फेज के अंदर बेटा स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है. इसके अलावा S फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है इन द केस ऑफ एनिमल सेल. यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग देखो, अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल. सही आंसर, अमाउंट ऑफ DNA रिमेन सेम इन ईच सेल, रिमेन सेम. तो गलत हो गया ये, क्रोमोजोम नंबर इज इंक्रीज. क्रोमोजोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, अभी बताया था 2N रिमेन 2N इन S फेज. अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, ये भी गलत हो गया, आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड. अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप सीधा टेक करो रिकॉम्बिनेज. तो बेटा जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेशन में. रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कब होगा, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. और बेटा क्रॉसिंग ओवर कब होगा, ड्यूरिंग द मियोसिस. और मियोसिस की भी कौन सी फेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस फर्स्ट. और मियोसिस फर्स्ट में भी कब होगा बेटा, प्रोफेज फर्स्ट. और प्रोफेज फर्स्ट में भी कौन सी सब स्टेज में होगा, वो अभी मैंने आपको बताया था 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकाइटीन डिप्लोटीन एंड डाई काइनेसिस. तो जो पैकाइटीन है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम. तो यहाँ पर डायरेक्ट जो आंसर है वो आपका चला जाएगा पैकाइटिन. देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चंस को समझना, ना कि डायरेक्ट आंसर को रटना. क्योंकि आंसर वेरी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी वेरी करेगा, वो अलग अलग आपको अप्रोच देगा ताकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करें. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मियोसिस जो प्रोसेस है रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शनल डिवीजन, ड्यूरिंग रिडक्शनल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ इन डॉटर सेल्स. तो यहाँ देखो वापस, अब सीधा वो क्वेश्चन पूछे, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकाइटिन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन प्रोफेज फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस बट क्रॉसिंग ओवर नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस. अब इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ये देखो नया पैटर्न आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी नीट में काफ़ी बार आते हैं. आपको स्टेटमेंट देगा और पूछेगा स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर देखो ध्यान देना बेटा, आपको केवल ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, इन टीलोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन्स टू फॉर्म. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट भी हो जाता है. ER का फॉर्मेशन होगा, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट वो करेक्ट है. फिर भी अपन बाकी के ऑप्शन देखते हैं. इन प्रोफेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट. याद रखना बेटा, प्रोफेज में कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट किस में होते हैं बेटा, एनाफेज में. आपको ये सारे पॉइंट याद रखने, आपको ये सारे जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें आपको, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन गया ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एनाफेज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो एनाफेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो आंसर ये नहीं होगा. इन मेटाफेज द सिस्टर क्रोमेटिड बिगिन कंडेंसेशन. तो देखो कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट होता है बेटा प्रोफेज में. तो कंडेंसेशन स्टार्ट इन प्रोफेज जस्ट आफ्टर द इंटरफेज. इन एनाफेज द क्रोमोजोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर. देखो स्टेटमेंट ये फिर से रॉन्ग हो गया. जो क्रोमोजोम है वो स्पिंडल इक्वेटर, बोले तो जो आपकी इक्वेटर होती है सेल की, जैसे ये है सेल और ये इसका हो गया इक्वेटर. तो क्रोमोजोम इक्वेटर की तरफ मूव कब करते हैं, सोचो बताओ मुझे, कब करेंगे, मेटाफेज में. तो यहाँ पर क्या दिया इसने, एनाफेज. तो ये आंसर भी इन स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया, दैट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट तो इन दिस क्वेश्चन द ट्रू स्टेटमेंट इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो किसका डेरिवेटिव है, आवरण उत्पन्न होता है. तो न्यूक्लियर एनवलप जो है, ये देखो आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे अपन चलते हैं. तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, उसमें जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी होगी फोल्डिंग और उससे बनता है बेटा ER. और आप जानते हो इस पे होते हैं राइबोसोम, दैट इज RER. तो यहाँ स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो रहा है, द न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाई स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर. अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने डिस्कस किया था. देखो ये बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. आपको एक टॉपिक पे अगर आपकी कमांड होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली उसका आंसर दे सकते हो. लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, आपका टारगेट केवल आंसर को करेक्ट करना नहीं है, आंसर कितनी जल्दी कर रहे हो आप, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, आपको सीधा आंसर पे अटैक करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वेस्टिंग अवर प्रीसियस टाइम. तो देखो इधर इसने बोला है ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो देखो बेटा क्लोरोप्लास्ट की अगर अपन बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड थाइलेकोइड्स. और अभी मैंने बताया था इन थाइलेकोइड्स द क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन इट्स मेम्ब्रेन. तो ये एक थाइलेकोइड है और थाइलेकोइड आपस में ऐसे अटैच हो गई, जैसे आपने देखा होगा सिक्कों का चट्टा बना लो आप. तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं फिर ग्रेनम.
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ऑर्गेनाइज प्लेटलेट मेम्ब्रेन साइक्लिक स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट आर, तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ जाएगा आपका ग्रेना, तो आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, अच्छा क्वेश्चन है ये. आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर दी गई है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी देखो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है. क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी बेटा डीएनए होगा, ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, और राइबोसोम आप जानते हो किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट है राइबोसोम भी, प्रोटीन प्लस आरएनए. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेरी वेल नोन, न्यूक्लियस कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल, और न्यूक्लियस में भी कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, आंसर विल बी थर्ड, राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स. देखो वापस से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया रफ, और देखो वही ईआर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है. रफ ईआर आगे क्या दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. जो आरईआर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अभी मैंने आपको बताया था फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये जो मैचिंग है ये क्या है, ये गलत है. आपको इसमें करेक्ट मैचिंग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. एसईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, बेटा ये भी गलत हो गया, इसका फॉस्फोलिपिड के ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है. एसईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एसईआर अभी बताया था एसईआर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लिपिड फॉर्मेशन के लिए. आरईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, बेटा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्लाइकोजन के लिए आरईआर रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एसईआर. तो यहाँ पर जो करेक्ट मैचिंग है वो कौन सी है, थर्ड, आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन. अब सबसे पहले बेटा आप समझो साइटोक्रोम्स होते क्या है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आंसर तो ना रटना है आपको. साइटोक्रोम जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें. साइटोक्रोम कौन होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं, दोज कंसिस्ट हिम ग्रुप. प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स. और जो साइटोक्रोम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैं बताऊं इनका जो फंक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्पेशली इन रेस्पिरेशन. तो यहां पर देखो साइटोक्रोम की बात कर रहे हैं, साइटोक्रोम पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया स्पेशली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में. और इनकी जो साइट है वो क्या होगी, देखो अब इसमें चलते हैं अपन, ये हो गया बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज पीएमएस एंड दैट इज मैट्रिक्स. तो इन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर द साइटोक्रोम्स प्रेजेंट इन. तो इसमें भी देखो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ मैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बेटा वहाँ पर होते हैं आपके ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन प्रेजेंट होते हैं, साइटोक्रोम्स. इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, ये डिटेल है आपको पता होना चाहिए, ईटीएस के अंदर 5 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. और वहाँ पर कौन इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, साइटोक्रोम फाउंड इन लाइसोसोम नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, आउटर सेल वॉल आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट. ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में जो प्रोकैरियोट है उनका एक स्पेशलाइज्ड करेक्टर है, यूनिक करेक्टर है द प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं इंक्लूजन बॉडीज होती क्या है. तो अपने जो प्रोकैरियोट हैं जैसे बैक्टीरिया है, तो इसमें ये क्या है, रिजर्व मटेरियल्स हैं, दे स्टोर द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये है आपकी इंक्लूजन बॉडीज, और उसमें भी डिफरेंट टाइप की हैं. तो चलते हैं आप इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी हैं. फॉस्फेट ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी है,
साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल ये भी इंक्लूजन बॉडी है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ये भी इंक्लूजन बॉडी है, बट पॉलीसोम जो है इंक्लूजन बॉडीज में नहीं आएंगे। तो पूछा गया नॉट ए इंक्लूजन बॉडी, तो आंसर विल बी फर्स्ट पॉलीसोम। और पॉलीसोम होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लो बेटा, पॉलीसोम कौन होते हैं, यहाँ पर एक आरएनए, एक एमआरएनए होगा, उस एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम क्या है अटैच है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन पॉलीसोम, दैट इज एमआरएनए एंड दैट बियर मैनी राइबोसोम्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं बेटा पॉलीसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड आर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन बेटा डायरेक्ट, जो क्रोमोसोम है उनको सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे चार टाइप में डिवाइड किया गया है। देखो ये क्रोमोसोम, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है, द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम मिडिल से थोड़ा सा दूर सिचुएटेड है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड के पास, या बोल दो फार अवे फ्रॉम द मिडिल, दैट इज एक्रो सेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं टीलो सेंट्रिक क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर खुद सेलेक्ट करो, अब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां इसने किसकी बात की है, सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड, ये देखो सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड, तो बताओ कौन सा होगा, ये कौन सा टाइप होगा, ये होगा एक्रोसेंट्रिक। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका चला जाएगा थर्ड। अगर इसने पूछा होता सिचुएटेड एट द मिडिल, आंसर होता आपका मेटा सेंट्रिक। अगर इसने पूछा होता नियर द मिडिल, आंसर क्या होता आपका, सब मेटा सेंट्रिक। अगर बिल्कुल एंड पे होता तो आंसर हो जाता आपका टीलो सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज अब्सेंट इन, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का लेवल देखना बेटा, नीट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल पूछता है डायरेक्ट और एनसीईआरटी से, लेकिन वही मैंने बताया आपको, आपकी स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी है वो भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल भी इजी रहता है। सेल वॉल अब्सेंट इन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा, डायरेक्ट हो जाएगा माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, नोस्टोक, नोस्टोक क्या है, साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल प्रेजेंट है, फिनेरिया यूकैरियोट है, मोस है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एस्परजिलस फंगस है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट माइकोप्लाज्मा इज प्रोकैरियोट दैट लैक सेल वॉल, और आप जानते हैं उसको अपन पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको बेटा एमएलओ भी बोलते हैं, मोलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको अपन जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, देखो फिर से मैच कॉलम आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इसके अंदर पॉइंट्स कवर होंगे। तो इसने कॉलम फर्स्ट दिया है, यहाँ पर दिया है कॉलम फर्स्ट में थाइलेकोइड्स, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, क्रोमेटिन, और जो कॉलम सेकेंड है वहाँ पर डिस्क शेप्ड सैक ये दिए हैं, तो आपको मैच करना है। तो अभी देखो इसमें कई कॉन्सेप्ट तो वही पुराने आ गए हैं, थाइलेकोइड, तो बेटा थाइलेकोइड को किससे मैच करोगे आप, देखो थाइलेकोइड क्या होती है, ये देखो वही आ गया, द फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसके साथ मैच कौन सा होगा बेटा, थर्ड क्रिस्टी, बताओ क्रिस्टी से किसको मैच करें अपन, क्रिस्टी, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा क्रिस्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फोर्थ मैच हो जाएगा क्रिस्टी, हो गया। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बताओ सिस्टर्नी कौन होंगी, सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, तो सिस्टर्नी इसमें मैच करो आप, डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस, तो सिस्टर्नी मैच हो जाएगी फर्स्ट से। क्रोमेटिन, वेरी सिंपल, क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो यहां पर हो जाएगा आपका सेकंड, आप देखो आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मैच कर दो आप, ए थर्ड, इसके अलावा बी फोर हो जाएगा, बी फोर ठीक है, उसके अलावा आपका सी जो है वो हो जाएगा वन, और डी हो जाएगा सेकंड, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे अप्रोच करना बेटा, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना,
क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया होगा नीट का कि नीट में कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आपका 5 नंबर का नुकसान। ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप सीधा पहले प्रोटोप्लास्ट पे अप्रोच करो कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो है बेटा सेल विदाउट सेल वॉल। देखो मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ और उसको ध्यान से समझना, उस फ्लो चार्ट से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अपन एक सेल ले लेते हैं दैट कंसिस्ट सेल वॉल। तो मैं एक सेल के आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, सेल आर्किटेक्चर। और अपने एग्जाम्पल क्या ले लिया, कोई प्लांट सेल है। तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा। देखो यहाँ सेल वॉल, तो आप सेल वॉल को साइड में कर दो, रिमूव कर दो। तो विदाउट सेल वॉल द रिमेनिंग पार्ट इज प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो पार्ट है आपका वो क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट अगर आप सेल वॉल से कवर कर दोगे तो आपका जो टिपिकल सेल उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन तो आपका हो गया, यहाँ पर द प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, तो यहाँ क्या हो जाएगा विदाउट सेल वॉल। तो आंसर क्या है आपका, सेकंड। लेकिन एक बार इस चार्ट को पूरा करते हैं, अब स्टार्ट कर दिया है तो जो प्रोटोप्लास्ट है उसको भी आप 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। बताओ प्रोटोप्लास्ट कवर्ड बाई, बोलो प्रोटोप्लास्ट किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से। वेरी गुड, ये हो जाएगा बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या बचा आपका, बताओ बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन होगा, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर, जो प्रोटोप्लाज्म है फिर से उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, उनको अपन डिवाइड कर देते हैं। प्रोटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट कौन से होंगे बेटा, एक तो होगा आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियस। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा बेटा, ध्यान समझना इसको। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इतना तो आपको पता लग गया, अपन यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें देखो जो साइटोप्लाज्म है मैट्रिक्स पार्ट होता है जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस है वो आपको पता है, न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में फिर से अपन 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट जो है, एक तो हो जाएगा उसका मैट्रिक्स पार्ट, बोले तो लिक्विड पार्ट जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है या उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और दूसरा जो पार्ट उसको अपन इसमें ले लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या हो गया ये, सेल ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्मिक जो सेल ऑर्गेनल उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो जो सेल ऑर्गेनल हैं उनको वापस से मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो हो जाएगा आपका सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, दूसरा हो जाएगा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, और तीसरा हो जाएगा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल उसको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो वो जिनके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक वो जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, और एक वो जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो सिंगल मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनल है उसमें कौन कौन आएंगे बेटा, मैं यहाँ इसको मेंशन कर रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इसके अलावा और भी होंगे आपके परोक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम, स्फेरोसोम्स। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब सीधे चलते हैं अपन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। तो यहां पर 2 होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है उसमें अपन यहां पर इंक्लूड करेंगे 2 को, एक तो हो जाएगा आपका राइबोसोम और दूसरा हो जाएगा आपका सेंट्रियोल। दीज आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। अब ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया इसमें काफी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल इज, तो आप सीधा जाओ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स ये आपके सामने लिस्ट है, एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स ये लिस्ट है। यहाँ क्वेश्चन क्या था आपका, प्रोटोप्लास्ट। तो सिंपल है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटो प्लास्ट। इसको याद रखना, ये काम आएगा, आगे भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। मीजोसोम,
मीजोसोम बेटा प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, अभी अपन ने बात की थी, मीजोसोम हेल्प इन द रेस्पिरेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में बेटा, जानते हो तुम, यहाँ पर होते हैं 70S राइबोसोम, बट न्यूक्लियर एनवलप अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बिकॉज प्रोकैरियोट लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ओनली प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, तभी इनका नाम क्या है, प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स कैरियोन, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा अपना, थर्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन सम बैक्टीरिया to attach the rock and our host tissue are, very simple question, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, bacterial surface structure, example बताया था मैंने, flagella, fimbri and pili, तो बताओ यहाँ पर attachment के लिए कौन होगी, very good, fimbri, तो answer will be fourth। next question, the photosynthesis, in the photosynthesis light independent reaction takes place, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसने बात किसकी की है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बोले तो डार्क रिएक्शन, आ गया दिमाग में, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, ये आपका क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ग्रेना ग्रेनम, और बेटा आप जानते हो ग्रेना ग्रेनम एसोसिएटेड विद द लाइट रिएक्शन, और ये है आपका स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, आ गया, अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, याद करो, अब आप आंसर खुद आप दोगे, सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन आर, तो बताओ जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल है, उनको आप सेलेक्ट करो, देखो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस एंड न्यूक्लियाई मेम्ब्रेनस, बट आंसर अपना नहीं होगा, इसने क्या पूछा है, झिल्युक्त कोशिकांगक कौन से, उनको आपको सेलेक्ट करना है, लाइसोसोम मेम्ब्रेनस, गोल्जी एपरेटस मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस, तो आपका आंसर सेकंड ही होगा, यहाँ देख लो न्यूक्लियाई मेम्ब्रेनस, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस, ये फोर्थ ऑप्शन देखो, क्रोमोसोम हटाओ, पहली बात तो ये सेल ऑर्गेनल नहीं है और इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती चारों ओर, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब यानी रिंग आर द साइट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक दो बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, जो बल्ब यानी रिंग होती है बेटा, समझो इसका कॉन्सेप्ट, अभी दोबारा कभी आए तो ताकि आप डायरेक्ट आंसर कर सको, क्रोमोजोम होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, जॉइंट क्रोमोजोम जिनको अपन बोलते हैं, जैसे लैंप ब्रश क्रोमोजोम एंड पॉलीटीन क्रोमोजोम, तो आपका जो पॉलीटीन क्रोमोजोम है ये होता है बेटा पॉलीटीन क्रोमोजोम, जहाँ पर बहुत सारे ये क्रोमेटिड्स होते हैं, तो जो पॉलीटीन क्रोमोजोम होगा उसमें मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूँ, उसका थोड़ा सा डिटेल व्यू ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड था उसमें कुछ रीजन्स होते हैं, ये देखो ऐसे रीजन होंगे, कुछ होते हैं पफ्ड रीजन, ये पफ्ड रीजन हो गए, और ये वाले जो हैं वो हैं नॉन पफ्ड रीजन, जहां पर जो पफ्ड रीजन होते हैं बेटा वहां की स्ट्रक्चर की अपन बात करें, इस तरह के रीजन हैं, यहां पर जो डीएनए है उनकी लूप्स प्रेजेंट होती हैं, ये खुले होते हैं ऐसे समझो आप, तो ये जो लूप्स हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं बाल बियानी रिंग, यहाँ पर बालबियानी कौन है, ये साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसने अपने नाम पे बोल दिया इनको बालबियानी रिंग, और याद रखना बेटा जो बालबियानी रिंग्स हैं वो किसकी साइट हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो डीएनए, यहाँ पर डीएनए हाईली कंडेंस नहीं है, यहाँ पर एक्टिव है डीएनए, तो ये क्या करेगा आपका प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन करता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बालबियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ, तो इसमें जाओ आप आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आंसर विल बी सेकंड, याद रखना बालबियानी रिंग ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपसे पूछूं बालबियानी रिंग प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीटीन क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, अभी सेम कॉन्सेप्ट आ गया, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड इट मीन्स मेम्ब्रेन अब्सेंट, तो अकॉर्डिंग द ऑप्शन लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है, मीजोसोम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस, आंसर विल बी फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया. अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ये सेल डिवीजन से है. देखो सबसे पहले ए वाला जो है वो आपको रीड करना है, फिर कॉलम के अकॉर्डिंग अपन मैच करेंगे. सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम, देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, बार बार उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे. सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम अभी मैंने बताया था, बताओ सिनेप्सिस किसमें होगी? जो सिनेप्सिस है बोले तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर्सिन, वेरी गुड, जाइगोटिन. तो यहां बताओ ए के साथ किसको मैच करोगे आप? ए के साथ मैच हो जाएगा जाइगोटिन, ये सेकंड हो जाएगा. सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, भाई बात करें अपन सेल डिवीजन की, सेल साइकिल की, तो वहां पर भी आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. और बेटा याद रखना आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन जो इंटरफेज में होता है, तो यहां देखो किससे मैच करोगे आप आरएनए प्रोटीन, तो यहां सीधा दे रखा आपका G2, G2 इज द फेज ऑफ इंटरफेज. तो ये जो सेकंड वाला है ये बी वाला मैच हो जाएगा बेटा आपका थर्ड से. एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, तो बताओ रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सी फेज में हेल्पफुल होता है बताओ? पैकाइटिन, तो पैकाइटिन कहाँ पे है? यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ मैच कर दो. सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. यहाँ देखो ध्यान देना बेटा क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर्स आर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है, बट जो क्रोमोजोम्स हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? अपोजिट पोल. और ये कब होता है? ये केवल होता है बेटा ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम. और बताओ होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन कौन सी फेज में होगा? एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट दे रखा है, ये रहा एनाफेज फर्स्ट. तो ये जो डी वाला है वो आप किससे मैच करोगे? फोर्थ से. इसके अकॉर्डिंग आंसर देखो आप खुद बताओ आंसर क्या होगा. ए सेकंड, ओके बी थर्ड, सी फिफ्थ एंड डी फोर्थ. आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें मियोसिस में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. ये इवेंट्स दे रखे हैं उसने, लाइक क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस. देखो ये जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट लिया है ना बेटा, इसको ध्यान से देखना, इसने बात की है मियोसिस की, और ये जो इवेंट्स हैं वो होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट. और मियोसिस फर्स्ट में भी किसमें होंगे? प्रोफेज फर्स्ट. और प्रोफेज फर्स्ट में भी मैंने आपको अभी बताया था उसमें 5 सब फेजेज होती हैं, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं. जैसे अपन बात करें 5 सब फेजेज, देखो ये 5 सब, ये जो प्रोफेज फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, सॉरी पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो बताओ ये जो इवेंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले कौन होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीज इवेंट्स? सिनेप्सिस हो जाएगा. ठीक है, तो सिनेप्सिस किसमें हो रहा है? जाइगोटीन में. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा बेटा? सिनेप्सिस होने के बाद होता है आपका क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइटिन. क्रॉसिंग ओवर जैसे होगा उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका जो डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस आएगी, वहाँ पर जो काइजमेटा है, काइजमेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है, और काइजमेटा जो है वो कब टर्मिनलाइज होंगे? ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस. और जैसे ही वो टर्मिनलाइजेशन होगा उसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर. तो वेरी सिंपल, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पहले बी ए देन सी डी. ऑप्शन देखो बी ए सी डी, आंसर विल बी फोर्थ. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, इसको ध्यान से रीड करना और एक बार एनसीईआरटी से भी देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज. वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबने याद कर रखा है. तो जो फंगस सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? फंगल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन. तो आंसर विल बी फोर्थ. अब आपको केवल रटना नहीं है बेटा, काइटिन आप रट लिया आपने कि सेल वॉल काइटिन की बनी है, मेजर कंपोनेंट ये है, बट काइटिन के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि इसका कंपोजिशन भी वो पूछता है. तो काइटिन क्या है बेटा बताओ? काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड. और जो पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं? पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड. तो काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नाग. ये नाग क्या है? इसकी मोनोमर यूनिट है. नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. तो बताओ काइटिन क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड है. और ये भी कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है बेटा? याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, होमो
पॉलीसेक्राइड. तो काइटिन इज द होमोपोलीसेक्राइड ऑफ नाग, एन एस्टाइल ग्लूकोज अमीन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन. देखो वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया, वही क्वेश्चन आ गया. मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, उसको याद रखना है. उस फ्लो चार्ट से आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलो बताओ तुम्हें इसने बात किसकी की है. सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल को आपको सेलेक्ट करना है. क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा बेटा, ये डबल मेम्ब्रेनस है. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है. लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल. आंसर विल बी सेकंड. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर. देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, बार बार वही कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर. बताओ दो स्टेटमेंट दिए हैं. सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल करेक्ट, अभी मैंने डिस्कस किया था तो सही है ये बात. तो फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स, सही है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. माइटोकॉन्ड्रिया में भी बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा, और जो प्लास्टिड्स हैं उनमें भी क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन. तो ये बात सही है. ये यहाँ तक स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया. एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. अभी मैंने बताया था दे कंटेन डीएनए, सही है, बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उनमें राइबोसोम प्रेजेंट है. दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन. तभी तो क्या है बेटा, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. तो यहाँ जो ए स्टेटमेंट है वो तो क्या है बेटा, सही है, और जो बी है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देखो तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट करो खुद ही. ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. तो आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रोटिब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, वेरी सिंपल. माइक्रोटिब्यूल जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ये क्या है, साइटोस्केलेटन. तो माइक्रोटिब्यूल से कौन कौन बना है, यहाँ पूछा क्या है कि माइक्रोटिब्यूल किस किस में प्रेजेंट है, कौन सी स्ट्रक्चर है जिनमें माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट है. तो चलो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं. स्पिंडल फाइबर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, सेंट्रियोल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, सीलिया ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. चलो बाकी ऑप्शन भी देखते हैं. सेंट्रियोल यहाँ सही है, स्पिंडल फाइबर सही है, क्रोमेटिन लैक माइक्रोटिब्यूल. क्रोमेटिन में माइक्रोटिब्यूल नहीं होते हैं. यहाँ देखो थर्ड ऑप्शन, सेंट्रोसोम कंसिस्ट माइक्रोटिब्यूल, न्यूक्लियोसोम लैक माइक्रोटिब्यूल. तो यहाँ न्यूक्लियोसोम की वजह से क्या हो गया, ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया. अब बेटा ये टर्म भी आपको आनी चाहिए कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है. अब पढ़ोगे मॉलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. याद करो ऑक्टामर की स्ट्रक्चर, ऑक्टामर इसके चारों ओर कौन होगा, डीएनए. इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम. तो यहाँ पर माइक्रोटिब्यूल का कोई रोल नहीं होता. तब यहाँ देखो सीलिया सही है, फ्लेजिला, बट प्रोक्सीसोम में माइक्रोटिब्यूल नहीं होते. आंसर विल बी फर्स्ट. इसलिए आपको हर क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से समझना, आप कोई भी क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, एक करेक्ट होता है बाकी इनकरेक्ट होते हैं. तो जो करेक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन इनकरेक्ट है ना उनके ऊपर भी फोकस करो कि वो इनकरेक्ट क्यों है, या उसमें ऐसा क्या होता कि वो क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो जाता. तो आपकी वैसे एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो इस पैटर्न पे आपको स्टडी करनी है. अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी थ्योरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी. क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी होनी चाहिए, ना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप थ्योरी को रट सकते हो बट क्वेश्चन को करेक्ट करना अलग बात होती है. इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर. देखो बेटा यहाँ पर एक बार वापस एक कॉन्सेप्ट आ गया, जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स वगैरह में तो वो वाटर सोल्यूबल भी हैं और वाटर इनसोल्यूबल भी हैं. तो आप सीधा अटैक करो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है. अगर मैं बात करूँ आपका क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड, ये बेटा वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर इनसोल्यूबल. बट जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन जो है वो है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, और एंथोसाइनिन किसमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में. तो यह आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, एंथोसाइनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, आ गया बेटा वही क्वेश्चन आ गया. देखो मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था, इसने क्या पूछा है, कॉम्प्लेक्स राइबोसोम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम क्या हैं, अटैच हैं. तो बताओ ये कौन सी कंडीशन हो गई, पॉलीसोम कंडीशन, बोले तो पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम. तो आंसर बताओ क्या होगा इसका, फोर्थ.
नेक्स्ट सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो बेटा, पीली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया, देखो ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे। पीली एंड फिम्ब्री, मैंने आपको बताया था पीली हेल्प इन कॉन्जुगेशन एंड फिम्ब्री हेल्प इन अटैचमेंट, यहाँ क्या दिया है मोटिलिटी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉन्ग। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लेजिलेटेड सेल्स, करेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया में बेटा फ्लेजिला नहीं होते हैं, करेक्ट, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लेजिलेटेड सेल। तो यहाँ पर सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, पहले वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, करेक्ट। देखो बेटा क्वेश्चन एक ही है लेकिन आपके पास चार इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, पहली इसी क्वेश्चन की इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, पहले वाला रॉन्ग हो गया, लेकिन आपके पास बाकी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लेजिलेटेड सेल, बोले तो साइनोबैक्टीरिया में फ्लेजिला नहीं होगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। माइकोप्लाज्मा वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो आपको आंसर क्या करना है पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोले तो दोज कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस, तो बताओ यहाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से सेल ऑर्गेनल में होंगे, वेरी गुड, दिमाग में आ गया लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम कंसिस्ट एसिड हाइड्रोलाइजेस, दोज डाइजेस्ट द प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्सो अदर माइक्रोबायो मोलिक्यूल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर एन ए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आर एन ए एज वेल एज द राइबोसोम, देखो अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस हुआ था, देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार घूम रहे हैं क्वेश्चन, तो आप बताओ इसका आंसर, राइबोसोम इन बैक्टीरिया, इसने बात किसकी की है, बैक्टीरिया में कौन सा आर एन ए है जो स्ट्रक्चरल भी है और एंजाइम का काम भी कर रहा है, तो अपन थोड़ा सा एक बार राइबोसोम की स्ट्रक्चर पर चलें। ये लो बैक्टीरियल राइबोसोम कौन से होते हैं बेटा, 70S राइबोसोम्स, इसमें दो सब यूनिट होती हैं बेटा लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होगा 50S, स्मॉल का होता है 30S, तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं आरएनए, और कौन से आरएनए होंगे बेटा आरआरएनए, तो लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ आरआरएनए, दैट इज 23S आरआरएनए एंड दैट इज 5S आरआरएनए एंड स्मॉल सब यूनिट कंसिस्ट 16S आरआरएनए, और यहाँ बेटा जो 23S आरआरएनए होता है वो एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो बताओ यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कौन सा है, ये हो गया आपका 23S आरआरएनए। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखो कोई भी क्वेश्चन आया आपको करेक्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज द राइबोसोम, देन आंसर विल बी 23S आरआरएनए। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना इसको, ए सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व बाई स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसने क्या कह रहा है वो, उसने बोला है कि कोई स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया कि एक सेल है जो कौन सी स्टेज में है, टेलोफेज स्टेज में है, ठीक है, ही टेल हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक द अदर सेल, एट टेलोफेज स्टेज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड दस द सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज कम्पेयर टू द अदर डिवाइडिंग सेल, दिस वुड बी रिजल्टिंग, वो कह रहा है कि टेलोफेज है लेकिन ये बाकी टेलोफेज के सिमिलर नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है उसमें क्या बताई उसने कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर है वो अब नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा क्रोमोजोम का नंबर है उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है बेटा सीधे सेल डिवीजन कॉन्सेप्ट पे जाओ, अगर सेल प्लेट नहीं बनी है इसका मतलब उस सेल में अब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, और साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा तो सेल में क्रोमोजोम का नंबर ऑलरेडी जो बढ़ चुका है वो प्रेजेंट रहेगा, तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, क्या पूछा इसने प्लेट नहीं बनती इस कारण इसमें कोशिका में अन्य विभाजन वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक गुणसूत्र हैं, तो ये परिणाम क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा, बोले तो यहाँ पर बहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स, अच्छा क्वेश्चन है, बात कर रहा है किसकी माइटोसिस की, और माइटोसिस के बेटा करेक्टर आपको याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा,
समसूत्रण के दौरान न्यूक्लियस में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? तो बताओ बेटा, जब माइटोसिस होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, जब प्रोफेज आएगी तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। चलो, क्रोमोजोम मूवमेंट होगा, क्रोमोजोम मूवमेंट होगा बेटा। क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटरी भी आएंगे, उसके अलावा जो पोल्स होते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। सिनेप्सिस, देखो वही बात आ गई, कॉन्सेप्ट वही आ गया बेटा। सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, और मैंने बताया था ये पेयरिंग वाला जो लोचा होता है ये कहाँ होता है, ओनली इन मियोसिस, क्योंकि पेयरिंग होगी उसके बाद में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये किसके करैक्टर हैं, ये मियोसिस के करैक्टर हैं, माइटोसिस करैक्टर नहीं। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, स्पिंडल फाइबर के बिना तो क्रोमोजोम मूव करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड, सिनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर अपन एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर पर चलें बेटा, तो देखो इधर ये क्रोमोजोम, एक ये इसका है सेंट्रोमियर, और जो क्रोमोजोम का बेटा सेंट्रोमियर होता है वहां पर कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या नाम है इनका, काइनेटोकोर। और जो काइनेटोकोर हैं यही साइट हैं जहाँ पर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे ये एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से आया, स्पिंडल फाइबर यहाँ से आया, ये पोल है आपका, ये भी पोल है, तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच हो रहे हैं, देखो पोल टू क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में कौन सी साइट है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर किससे अटैच है बेटा, सेंट्रोमियर से। चलो क्वेश्चन पे, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू काइनेटोकोर ऑफ, ये रहा आपका काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। अगर आपको पहले भी नहीं पता था ना, तो अभी भी अगर आपने इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन से रीड सुना है, पढ़ा है, तो आप बता सकते हो। तो बताओ तुम्हें, क्योंकि ये बार बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, देखो अपने बात की थी क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस एंड इन द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी बेटा किसमें होगा, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में भी मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ, फाइव सब फेजेज होती हैं, डिप्लोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाई काइनेसिस। तो अब तुम बताओ क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, वेरी गुड, पकाइटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पकाइटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, देख लो बेटा कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं, और आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी 100% आ जाए। तो डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है बेटा, एस फेज में। ये वीडियो देख के बेटा आपको लग गया होगा ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है क्यों आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत ईजी होता है, आपका जो नीट का सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है, लिमिटेड सिलेबस है, और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते हैं पढ़ने की। और आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर सिलेबस लिमिटेड हो तो उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि क्वेश्चन वाइड नहीं आते हैं, और लिमिटेड भी एक उनकी फिक्स अप्रोच होती है, लेकिन आपको आंसर सारे करेक्ट करने पड़ेंगे। सेल डिवीजन का क्वेश्चन आ गया बेटा, मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस। आपने देखो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में मियोसिस की स्टेजेस दे रखी हैं, यहाँ पर उनके कुछ कैरेक्टर इवेंट्स दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है। देखो वही, फिर वही पैटर्न आ गया, पकाइटिन, ये इनके बाहर जा ही नहीं रहा, बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो पकाइटिन, अब तुम बताओ पकाइटिन में क्या होगा, वेरी गुड, पकाइटिन याद हो गया तुम्हें, पकाइटिन में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट दे रखी है, मेटाफेज फर्स्ट दे रखा है, तो इसका मतलब पक्का किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस, और मियोसिस में भी इसमें मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस फर्स्ट में जो मेटाफेज फर्स्ट है उसका क्या करैक्टर होता है, जो आपके बाइवेलेंट्स होते हैं, याद करो बाइवेलेंट बताए थे मैंने, प्रोफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट बन गए, टेट्राड बन गए, तो मेटाफेज फर्स्ट में वो क्या हो जाएगा, उनका अलाइनमेंट हो जाएगा, किस पे, इक्वेटर पे। तो देखो इसमें दिया क्या है, क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटर, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमेटा बेटा, ये हो जाएगा। जाइगोटीन, बार बार देखो जाइगोटीन आपको याद रखना है बिल्कुल, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तो मैच कर दो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन पे
जाना है। तो ए के साथ किसका मैच किया आपने, थर्ड ए है, यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड। देखो पहले में मैच हो रहा है इसलिए यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है, सीधा आंसर करो आप फोर्थ, फिर भी मैच कर सकते हो। बी के साथ क्या मैच किया आपने, फोर्थ किया है। सी के साथ क्या मैच किया है, यहाँ पर सेकंड। और डी के साथ क्या मैच किया है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल हैज स्टोर्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। देखो क्वेश्चन को समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है सेल है उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है और उसमें जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो स्टॉप हो गया, अब रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आप बोलो सर रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क जो है आप जानते हो जब रेप्लिकेशन होगा, ये डीएनए है आपका, ये डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे इस पे हेलिकेज एंजाइम एक्टिविटी करेगा तो हेलिकेज क्या करेगा, बाइंड विद द डीएनए हेलिक्स और क्या करेगा, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग करते ही ये देखो अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग करते क्या बन जाएगा बेटा, ये रेप्लिकेशन फोर्क, और रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा तो रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना बेटा रेप्लिकेशन एक बार स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट रेप्लिकेशन होता है फिर। अब इसने क्या बोला है, डीएनए प्रतिकृति द्विशाख रुक जाता है तो बताओ फिर कौन सा चेक पॉइंट जो है प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो तुम बताओ एस फेज आ गई, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो अगला चेक पॉइंट है बेटा वो कौन सा चेक पॉइंट होगा बताओ, एक बार मैं आपको चेक पॉइंट की बात बता देता हूं, G1, S, G2 और फिर कौन सी फेज आती है बेटा, M फेज। तो जो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है बेटा ये होता है G1, S चेक पॉइंट, उसके बाद चेक पॉइंट कौन सा आएगा बेटा, G2, M चेक पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ कौन सा चेक पॉइंट डोमिनेंट हो जाएगा, G2, M, ये रहा आंसर आपका फर्स्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये कह रहा है रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया आपका, फोर्क जो है अब नहीं बन रहा है, इसका मतलब रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, और रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो कहीं G2 में, और उसके बाद जो चेक पॉइंट है नेक्स्ट कौन सा है, G2, M चेक पॉइंट, आंसर विल बी फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा देखो यहां पर इनमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इनके चारों ओर भी क्या होती है, आउटर जो लेयर है वो ग्लायोकैलिक्स प्रेजेंट होती है, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है ग्लायोकैलिक्स, और जो ग्लायोकैलिक्स है वो पॉलीसेक्राइड की बनी है बेटा, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है, और ग्लायोकैलिक्स की जो नेचर है वो कैसी होती है, स्टिकी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ग्लायोकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP, ये किसकी बात कर रहा है, कौन सा सेल जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट से वो क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट समझो किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है ऑक्सीडेशन की, कार्बोहाइड्रेट से ATP कब बनेगी, जब उनका ऑक्सीडेशन होगा, और बात कर रहा है ये किसकी, रेस्पिरेशन की। तो बताओ रेस्पिरेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बेटा बैक्टीरिया में डीएनए होता है, ये लो ये बैक्टीरियल सेल, ये क्या है इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया को जब डिवाइड होना होता है तो ये डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और बेटा याद रखना बैक्टीरिया में ना तो माइटोसिस होता है और ना ही मियोसिस, यहाँ होता है ए माइटोसिस, और बैक्टीरिया में कोई इंटरफेज वगैरह नहीं होती, इसमें G1, S, G2 वगैरह ये डिवाइडेड नहीं है। तो इसने पूछा गया है बैक्टीरिया में डीएनए की प्रतिकृति कब होगी, कब होगी, जब उसको क्या करना है, डिवीजन। तो रेप्लिकेशन कब होगा, जस्ट प्रियोर टू फीजन, आंसर विल बी सेकंड। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, इफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर्स, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपके NCERT का ही कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा समझो आप, है ना, क्योंकि आपको आंसर रटना नहीं है, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझोगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ये देखो बेटा एक सेल है जो एम फेज में है, जो डिवीजन में है, अगर मैं बात करूँ प्रोफेज, उसके बाद में मेटाफेज आ जाती है, ठीक है। मेटाफेज में आप बेटा समझो, मेटाफेज में जो क्रोमोजोम है वो इक्वेटर पे क्या हो गए, उनका अलाइनमेंट हो गया, कहाँ पर है ये,
इक्वेटर पे हैं, बिल्कुल सेंटर पे। जैसे मैं बात करूँ माइटोसिस की, तो देखो यहाँ पर जो माइटोसिस में जो क्रोमोजोम है वहाँ बिल्कुल कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। और ये कंडीशन कौन सी बताओ बेटा, स्टार्टिंग में मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, ये कंडीशन होती है आपकी डायड। डायड मीन्स ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स एंड बोथ क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर थ्रू सेंट्रोमियर। अगली फेज कौन सी आएगी बताओ बेटा, अगली फेज होगी एनाफेज। और एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बोले तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और सेपरेट हो गए कहाँ जाएंगे, मूव टू अपोजिट पोल्स। जैसे ये पोल है, ये पोल है, तो ये जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग के बाद ये क्रोमोजोम अपने अपने पोल की तरफ क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे इस तरह से, मोमेंट ऑफ द क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। अब समझो देखो इस कॉन्सेप्ट पे, इसने क्या बोला है, ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, जो प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेड करता है। आ जाओ वापस कॉन्सेप्ट पे, ये जो सेंट्रोमियर है ना बेटा, यहाँ ये सेंट्रोमियर पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेंट्रोमियर को स्टेबल करके रखती हैं, सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन जब डिग्रेड होंगी तो ही सेंट्रोमियर की क्या होगी, स्प्लिटिंग, और तभी सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे। और एक कॉम्प्लेक्स है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, देखो नाम से आ रहा है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो मेटाफेज को किस में प्रमोट करेगा, एनाफेज में। और एनाफेज का मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है तो ये जो सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो तुम बताओ बेटा क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स हैं, जो क्रोमोजोम है, वो आपस में ये सेपरेट नहीं होंगे, क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा। इसने यही पूछा है, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर्स। अगर ये डिफेक्टिव है तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्रोमोजोम विल बी फ्रेगमेंटेड, नेवर, क्रोमोजोम विल नॉट सीग्रेट। इसका मतलब क्रोमोजोम जो है वो पृथक नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, माइटोसिस में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे माइटोसिस स्टार्ट हुआ, प्रोफेज आएगी, प्रोफेज जैसे स्टार्ट होगी कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो देखो सब में पहले कंडेंसेशन दिया है, जैसे कंडेंसेशन होगा उसके बाद में इनके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। प्रोफेज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन प्रोफेज, सही है ये भी। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, प्रोफेज की बात क्या आएगी बेटा, मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोजोम कहाँ अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे, ये भी सही है सीक्वेंस। फिर उसके बाद में एनाफेज क्या होगा बताओ, एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, सिग्रेशन, अभी आया था कॉन्सेप्ट ये, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल। देखो दे रखा सिग्रेशन, इसका मतलब यहाँ पर एनाफेज कंप्लीट हो गया। एनाफेज के बाद कौन सी फेज आती है बेटा, टेलोफेज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस द राइट आंसर इज फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, तो बेटा इसमें न्यूक्लियस के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो आप करेक्ट पे जाओ, उससे पहले समझ लो पहले न्यूक्लियस क्या होती है। ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है बेटा, इसमें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन लेस होती है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है, अभी बता देता हूँ आपको, न्यूक्लियस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए। और न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और आरआरएनए आपको पता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द राइबोसोम। और न्यूक्लियस की बात करें अपन, जो सेल ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है उनमें न्यूक्लियस की साइज क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, उनका नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इनकरेक्ट, बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन द राइबोसोम फॉर्मेशन, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखो ये आंसर सही है, अभी बताया मैंने आरआरएनए का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, न्यूक्लियस में। थर्ड ऑप्शन इज, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनकरेक्ट, बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ ऑप्शन, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बताओ लार्जर न्यूक्लियोलाई किसमें प्रेजेंट होंगे, इन द सेल दोज कंटिन्यूसली फॉर्म द प्रोटीन्स। ये कॉन्सेप्ट बेटा, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, रटना नहीं है इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपके पांच पांच क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, इसलिए हर कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, अप्रोच करनी है। ओके, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, वापस देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, गोल्जी बॉडी से अभी तक 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन आप आंसर करना है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया नहीं होगा, एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रेटरी वेसिकल यही होगा, बिकॉज गोल्जी बॉडी हेल्प इन द पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, तो आंसर विल बी 3rd. निजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निजल बॉडी आपने पढ़ा होगा जूलॉजी में आता है, आपके नर्व सेल वगैरह होते हैं उनमें निजल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, निजल बॉडी कौन होती है बेटा, ये RER होती है, याद रखना मॉडिफाइड RER, तो आंसर विल बी फ्री राइबोसोम एंड RER. सेकेंड, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसने केवल ये पूछा है कि कौन सा प्रोकैरियोट इसमें नहीं है, बताओ नोस्टोक, नोस्टोक इज ए साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, माइकोबैक्टीरियम ये भी बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट है, ऑसिलेटोरिया बेटा साइनोबैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल है, सैक्रोमाइसिस ये बेटा क्या है, ये फंजाई है, और जो फंगस होते हैं वो प्रोकैरियोट नहीं होते, यूकैरियोट, आंसर विल बी 4th.